सब्सक्राइब कीजिए जी जी गुरुजी चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलती रहे। आज की इस प्रस्तावित वीडियो में मैं आपका कृषि मित्र और मेरे साथ है एसवीडीसी मोडना महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद। आज हम आपके सामने कीड़ से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं। इसमें हम आपको फेरोमोन ट्रैप कैसे बनाएं इसके संबंधित सभी जानकारी हमारे स्पेशलिस्ट देने वाले हैं। तो चलो देखते हैं उनसे। गुड नून फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फेरोमोन ट्रैप्स मतलब जो कि आज सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है आजकल अपने हिंदुस्तान की फसलों में, सबसे ज़्यादा जो एक छोटी सी जो कीड़ है उसे और उसका प्रादुर्भाव आज हमें सब आपको देखना पड़ रहा है। आज आप न्यूज़पेपर जब देखते हो, टीवी चैनल जब देखते हो, तब एक ही बात सामने आती है कि हिंदुस्तान के किसानों का क्या होगा। तो आइए उसके बारे में एक छोटी सी झलक और फेरोमोन ट्रैप के बारे में क्या क्या हम आपको बता सकते हैं इस वीडियो द्वारा, हम आपको ले चलते हैं सीधा खेत में। सबसे पहले हम फेरोमोन ट्रैप के बारे में आज आपके साथ संबंधित इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो आइए, ये फेरोमोन ट्रैप होता क्या है? तो सबसे पहले फेरोमोन ट्रैप जो होता है वो को इंग्लिश में पेस्ट कहते हैं। आज हम ये जो खेत है जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो खेत है वो कॉटन का है, दैट इज कॉटन क्रॉप। और उस पर सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक जो कीड़ है, जो आज हमारे मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक है, तो उसके बारे में ये जो फेरोमोन ट्रैप है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, उसके बारे में। और आईपीएम मेथड्स जो एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट हैं और जो लोग एंटोमोलॉजी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जो स्टडीज़ के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आज इस वीडियो द्वारा इंफॉर्मेशन उनके पास ऑब्वियस अपडेट ही होगी। तो आइए, ये फेरोमोन ट्रैप दैट इज आईपीएम मेथड में आता है, एंटोमोलॉजी में। आईपीएम मीन्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और इस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आज हम ये फील्ड पे कैसे लगाते हैं ये देखने वाली है। चलो देखते हैं। ये जो फेरोमोन ट्रैप आप देख रहे हैं, ये कभी भी यहाँ पे उसको स्टिक करने के लिए अलग से पैनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसको एक बार से मतलब लगभग हाइट क्रॉप के एक फीट ऊपर से आपको फेरोमोन ट्रैप इंस्टॉल करना है। ये ध्यान में रखिए कि ये आप जब टाइट करते हैं, जब इसको अपन बांधते हैं, तो ये हमेशा ये बार पे, ये जो दिख रहा है ये बार पे आने और जो ये पोर्शन है यहाँ पे आना नहीं चाहिए, इस बात की ध्यान रखें।
ये हो गया हमारा फेरोमेन इंस्टॉलेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, इसमें फेरोमेन ट्रैप में सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड लूर्स। और लूर के बारे में मैं आपको बताने वाला दोस्तों, आज हमने देखा कि कॉटन फील्ड में आज हमने फेरोमोन ट्रैप इंस्टॉल किया है, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसीजर है और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो फेरोमोन ट्रैप होता है उसमें जो ये होल जो दिया है उसमें हमने लूर को लगाना है। और ये जो लूर को हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो लूर है ये पेक्टिनोफोरा गॉसिपिल्ला दैट इज पिंक बोलवॉर्म जो सबसे ज़्यादा आज कॉटन को खा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो IPM मेथड है जो आज हम देख रहे हैं, तो उसमें ये जो लूर है ये ऐसे इंस्टॉल करिए और ध्यान रखिए डोंट टच द पर्टिकुलर लूर्स व्हाइल स्टिकिंग टू द फेरोमोन। चलो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही केयरफुली इस लूर को ये फेरोपेन पे इंस्टॉल किया है। और उसके बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं इसको फिक्स कर दीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने फेरोमोन ट्रैप सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। और उसकी डिटेल जानकारी के लिए आपको हमें आगे देखना पड़ेगा इसके फेरोमोन ट्रैप के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने देखा फेरोमोन ट्रैप कैसे बनाए और उसके फायदे, तो आइए कुछ सवाल है हम पूछते हैं एक्सपर्ट से। तो आइए। हेलो सर। हेलो। तो सर हमें कुछ क्यूरी है जो बहुत से फार्मर्स हैं हमें बताई है, तो कुछ सवाल हम आपसे करेंगे। तो सर व्हाट इज IPM, मतलब IPM का मतलब क्या है? आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। व्हाट इज IPM? IPM मींस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये जो इसकी अगर बात करें तो उसे एकात्मिक कीट व्यवस्थापन दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ऐसे कहते हैं। और IPM में लगभग जैविक रासायनिक तो बहुत ही कमी होती है, जैविक भौतिक और बहुत से व्यवस्थापन दैट इज व्हाट कॉल्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा फेरोमोन ट्रैप जो होता है और उसके फायदे क्या होते हैं, एक फेरोमोन ट्रैप है, उसके बाद में मैक्सिमम इंसेक्ट जो है वो भी एज एन पेस्ट से प्रीडेटर तक एक्ट करते हैं, तो इसे IPM कहा जाता है। अगर सही नॉलेज हो
एंटोमोलॉजी के बारे में, तो आप इसे आईपीएम ही कहेंगे। अच्छा, तो सर फेरोमोन ट्रैप क्या होता है एक्चुअल में? वैसा देखा जाए तो फेरोमोन ट्रैप का मतलब होता है, फेरोमोन मतलब जो उसका जो मीनिंग निकलता है, तो फेरोमोन ट्रैप को अगर आम भाषा में कहें तो आकर्षित होना, और ट्रैप का मतलब है कहीं उस चीज को फंसाना, उसे फेरोमोन ट्रैप कहते हैं। अगर अगर पेक्टिनोफोरा की अगर बात करें, जैसा कि आपने फेरोमोन ट्रैप लगाया है, तो उस फेरोमोन ट्रैप में हमने पिंक बोलवॉर्म एडल्ट जो मेल है उसको ट्रैप करने के लिए हमने फेरोमोन ट्रैप इंस्टॉल किया है। तो उस इंस्टॉलेशन से सबसे ज्यादा जो उसकी लाइफ साइकिल जो होती है, मतलब एग्स, उसके बाद में है तुम्हारा निम्फ और एडल्ट स्टेज, ये जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है, तो इस कंप्लीट लाइफ साइकिल को हम आगे जाके इसे ट्रैप करके मेल को, जो उसको केशरी पतंगा ऐसे बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड पिंक बोलवॉर्म, तो उससे क्या होगा, हम मैक्सिमम उसकी जो लाइफ साइकिल है वो ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने की वजह से उसकी लाइफ साइकिल और उसका जो पॉपुलेशन है वो इनडायरेक्टली कम होने लगता है। तो सर किसी किसान ने हमें पूछा था कि मास ट्रैपिंग क्या होती है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मास ट्रैपिंग क्या होती है? तो यदि आप एक अगर कीड़ को पकड़े तो उसे खाली ट्रैपिंग कहते हैं, अगर वही क्वांटिटी अगर हम 100 या 200 या 400 में करें तो उसको हम कहते हैं मास ट्रैपिंग। तो सर इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसका मैनेजमेंट काफी सिंपल है, तो सबसे पहले उसको केमिकल की जरूरत नहीं होती, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। आईपीएम मेथड्स में केमिकल ओनली 30% यूज होता है एज कंपेयर टू फिजिकल, मैकेनिकल और अदर प्रैक्टिसेस विच आर परफॉर्म इन द फील्ड। तो उस मैनेजमेंट में आज हम देखेंगे कि जो नीम एक्सट्रैक्ट होता है, नीम एक्सट्रैक्ट, नीम तो आपको पता ही होगा, उसमें जो टॉक्सिक एलिमेंट है जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं एज ए डायरेक्टिंग, एज ए डायरेक्टिंग जो है वो इनडायरेक्टली इंसेक्ट जो है उसके लाइफ साइकिल, जो उसकी प्री मैच्योर स्टेज होती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड लार्वल स्टेज, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट वो लार्वल स्टेज पे ही करता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम ये जो एज ए डायरेक्टिंग टॉक्सिन है ये डिस्टर्ब करके उसकी लाइफ साइकिल टोटली स्पॉइल कर देता है। और देखा जाए तो नीम एक्सट्रैक्ट, नीम स्वीट एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं उसको, मार्केट में बहुत सी चीजें हैं जो नीम से रिलेटेड मिलती हैं, पर हमेशा ध्यान में रखिए हमको पेक्टिनोफोरा कॉसिपिला, दैट इज पिंक बोलवॉर्म को कंट्रोल करने के लिए अगर कंट्रोल मेजर देखे, हम उसको टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसका इन्फेस्टेशन हमने कम करना है, तो 5% कॉन्सेंट्रेशन का ही आपको मात्र यूज करना है, और उसके बाद में जो नीम होता है वो बेस्ट रिपेलेंट एक्ट होता है इंसेक्ट के बारे में अगर आपने देखा है। तो मेरी तरह से तो मतलब अगर सोचा जाए तो फेरोमोन ट्रैप के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में सबसे बेस्ट रहेगा तो नीम एक्सट्रैक्ट। तो अभी आप लोगों ने देखा कि सर ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई है जो आप सभी फार्मर्स लोग आपके फार्म में कर सकते हो। तो सर हमें एक बात पूछनी थी, एक कोई भी संदेश किसान के लिए बता दीजिए। तो संदेश मेरा यही है आप सभी मित्रों को, किसान मित्रों को, कि हम जब फसल उगाने की प्रोसीजर में लग जाते हैं, जो टीलेज में होता है, तो टीलेज ऑपरेशन से लेके अप टू हार्वेस्टिंग तक फार्मर्स आर मोस्टली यूजफुल टू द इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड,
ये आईपीएम और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कृपा करके एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको आईपीएम प्रैक्टिसेस ही मैक्सिमम आपके फील्ड में परफॉर्म करनी है। यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।